हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय किचन। तो आज की रेसिपी है मेरी पर्सनल फेवरेट। यहाँ पे हम वन पॉट सांभर बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत इजी है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पे मैंने मूंग दाल की इडली बनाई है, जो कि इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप ऐसे इसे सिंपल चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यह मूँग दाल को रात भर भिगो के रख दिया था। इसको हम मिक्सर ब्लेंडर में हरी मिर्च और अदरक और थोड़ी सी हल्दी के साथ हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा जीरा और नमक भी ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक फाइन पेस्ट हमें बनाना है, इस तरीके का पेस्ट हमारा बन जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया और 2-3 चम्मच मैंने यहाँ पे दही यूज़ किया है। मैं कितनी मैंने सामग्री की क्वांटिटी ली है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। यहाँ पे तेल, हींग और राई का मैंने यहाँ पे एक तड़का भी लगाया। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और 30 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब यहाँ पे हम सांभर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अरहर तुअर की दाल ली है, इसे हम कुकर में डाल लेंगे और पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ली हैं, आप अपनी पसंद की कुछ भी सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लौकी, कद्दू, ड्रमस्टिक लिया है। प्याज और टमाटर तो ज़रूर से डालें। प्याज को भी मैंने काट लिया है और टमाटर भी यहाँ ऐड कर दिया। अब इसमें हम नमक डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालें, मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा जीरा और यहाँ पे तेल डाल के हम इसको 4 से 5 सीटी ले लेंगे, फिर से कुक कर लेंगे। अब इसके बाद हमारी रेस्ट हो गया है, तो हम इसमें इडली बैटर में हम एक पैकेट इनो डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने इडली मोल्ड की प्लेट से उसको मैंने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। मैंने एक सुंदर दिखने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीट रूट को घीस के थोड़ा नीचे रख दिया है और उसके ऊपर बैटर डाला है। तो इससे एक टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और हमारी इडलियाँ दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगेंगी। अब सारे मोल्ड को हमने इडली बैटर से फिल कर लिया है। मैंने ऑलरेडी इडली मोल्ड में थोड़ा पानी रख दिया था। इसके बाद इसको हम हल्के से टैप करेंगे, जिसमें कि एयर बबल्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे। अब हम इसको स्टीम कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से पक नहीं जाती। यहाँ हम हमारी कोकोनट की चटनी भी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है 1 कप के लगभग। इसमें मैंने डाली है 2-3 हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा जीरा, नमक और थोड़ा पानी डाल के हम इसको फाइन ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए हमारी चटनी भी रेडी है और इसके ऊपर हम कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगा लेंगे। हमारी इडलियाँ भी बनके तैयार है। अब ये मोल्ड इडली थोड़ी ठंडी हो जाए तो हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी ठंडी होने के बाद। तो देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी बनी है, कलर भी कितना अच्छा है और टेक्स्चर भी कितना अच्छा है। तो इसी तरीके से हमने सारी इडली हमारी बना ली है, ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है, हमारी दाल और सब्जियां अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें भी एक तड़का लगा देंगे, हींग, राई, कड़ी पत्ता और थोड़ी लाल मिर्च का। हमने ये तड़का दाल में हमारे डाल दिया है। इसके बाद हम इमली का पल्प डालेंगे। इमली को मैंने थोड़ा गर्म पानी में गला के रख दिया था। सांभर पाउडर मसाला डाला है और हरा धनिया डाला है। तो देखिए हमारा कितना इजी और झटपट और बहुत ही डिलीशियस सांभर भी बनके तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे, वन पॉट सांभर इडली चटनी।